विद्यार्थी के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। 2008 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित नहीं होने पर मुझे किसी ने कहा कि तू तो केवी की नौकरी से संतोष कर ले, आरएस बनना तेरे बस की बात नहीं है। तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिर को कर रे कंथड़ा, हिरण कशो घी खाए, आंख चरे और पून भगे, घोड़ा सिंह आगो जाए। कि हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। एक था उत्प्रेरण और दूसरा था दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण ना स्वयं करे ना दूसरों के दुष्प्रेरण का शिकार हो, अपने मुकाम अपने उसूल खुद तय करे और हर बार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश ना करे। कि आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, जरा सा आप चूके कि आपने बुराइयां निकाल देंगे और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। इसलिए आप तो बस अपना कर्तव्य कर्म करें, आगे बहुत सी कठिनाइयां है। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपको इस कठिन राह पर चलना है, अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेबी की तरह इसमें उलझ ही गए हैं, तो फिर क्यों न चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लिया जाए। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाइए, अपना संबल खुद बनिए, अपनी तारीफ खुद करिए। बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दे उन्हें कि वे नेत्रदान कर सकते हैं। अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं तत्वों को प्रविष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे, जो आपकी सोने की थाली में पीतल की मेख जैसे अशोभनीय लगेंगे।